I find a lot of bugs in many companies like Apple, Microsoft, Mastercard. Microsoft में भी like मेरे कुछ friends हैं, उन्होंने $30,000 तक भी मिली हुई है. But generally हर एक company का एक budget होता है. Right. उसके हिसाब से वो लोग reward देते हैं. How can someone become an ethical hacker or like cyber security champ? वो क्या-क्या चीजें पढ़नी होती हैं, क्या-क्या technologies करनी होती हैं? तो छोटा सा roadmap type बता सकते हो? Sure. प्रतीक आप मेरे को वो बताओगे कि job opportunities क्या-क्या होती हैं थोड़ी detail में? मैंने जो blogs लिखे हैं, even कौन-कौन सी चीजें पढ़नी हैं? कहाँ से पढ़ने इवन मैंने यहाँ तक मेंशन किया. हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल. सो टुडे वी हैव प्रतीक विद अस ऑन द चैनल. तो ये करंटली एक सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं डिलॉइट में, एक एथिकल हैकर है, बग बाउंटीज वगैरह भी करते हैं. तो आज की वीडियो में हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक एथिकल हैकिंग होती क्या है, तुम एक कैसे एथिकल हैकर बन सकते हो, क्या रोड मैप है, देन क्या डिफरेंस होता है, क्या जॉब ओपनिंग्स होती हैं, फ्रीलांसिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो, कितने तुम्हें सैलरी मिल सकती है. तो काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. एक पहले प्रतीक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं. Yeah, so thank you Nishant for having me on your channel. It's a very honor to be here. So hi guys, my name is Pratik Dabi. So currently I'm working as a security analyst at Deloitte. So basically I'm an ethical hacker, penetration tester, bug bounty hunter, cyber security researcher. So जो मेरा काम है Deloitte में, उसके अलावा I will doing a freelancing. बग बाउंटीज करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन है. सो आई फाइंड अ लॉट ऑफ बग्स इन मैनी कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा. एंड सो या काफी सही. तो जैसे अब आपने एक बग बाउंटी चीज बोली, तो एग्जैक्टली करते क्या हो उसमें, क्या काम क्या होता है? सो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि लाइक बग बाउंटी क्या होता है. सो बग बाउंटी इज लाइक एक्स वाई जेड कंपनी है. ओके, सो आपकी कंपनी इसका फंडिंग वगैरह ज्यादा है, काफी पॉपुलर है, ठीक है. तो मतलब सबसे पहले अगर कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस कर रही है, हाँ. तो उसके लिए मेन चीज होती है सिक्योरिटी, राइट. ओके, और आपके लिए सबसे, कंपनी के लिए सबसे मेन चीज होती है उसका डेटा, okay. कि कहीं लीक ना हो जाए. ओके, सो लाइक माइक्रोसॉफ्ट है. ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऐसा लाइक अनऑथेंटिकेटेड कोई भी डैशबोर्ड मिल जाए, हाँ. या कोई भी ऐसी चीज लाइक सम अनदर यूजर्स जो उसको प्रिविलेज नहीं है, हाँ. एंड ही कैन एक्सेस सम अनदर काइंड ऑफ डेटा. राइट, सो लाइक ऐसा कोई भी चीज हो कि लाइक समवन कैन एक्सेस अनएथिकली, कोई फॉल्ट मिल जाए. ओके, हैकर्स में भी लाइक तीन टाइप्स के होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट. व्हाइट हैट हैकर्स लाइक जो कंपनीज को एज अ सिक्योरिटी प्रॉपर वे में रिपोर्ट करते हैं, सो दैट वी एज अ वे डू एज अ बग बाउंटी हंटर. सो लाइक ऐसा मैंने कोई भी फ्लॉ ढूंढा है, सो आई विल रिपोर्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट. ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को पहले रिव्यू करेगा, लाइक ये चीज मेरी प्रॉपर है कि नहीं, रिपोर्ट वैलिडेटेड करेगा, और उसके बाद जो बग की क्रिटिकलिटी होगी लाइक उसके हिसाब से बाउंटी देगा. इट्स नॉट लाइक एवरी कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ बाउंटी, सम इज प्रोवाइडिंग लाइक हॉल ऑफ फेम्स. वो अपनी वेबसाइट में आपका नाम मेंशन करेंगे कि लाइक इन दिस पर्सन ने हमारी वेबसाइट में एक बग ढूंढा है. सम विल गिव यू द स्वैग, सम विल गिव यू द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एज अ बाउंटी काइंड ऑफ. इट्स अ लाइक क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो सेवेरिटीज काइंड ऑफ. कितनी क्रिटिकल थी, कि आपने कितनी उनको प्रोजेक्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो. अब यहाँ पे इनका एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से तुम्हें सारी चीजें सिखाई जाती है. पहले तुम्हें यहाँ पे एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसके बाद लैंग्वेज के बाद तुम्हें डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सिखाया जाता है. उसके बाद तुम्हारा जो आता होता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद तुम बना रहे होते हैं काफी सारे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट. उसके बाद तुम्हारा इन सब के बाद मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तुम्हारा रिज्यूमे बिल्डिंग होती है, एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट में भी सपोर्ट किया जाता है. तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी ली जाती है, एंड यहाँ पे एवरेज सीटीसी दैट इज 11 LPA, एंड इसके अलावा तुम्हारा जो मैक्सिमम सीटीसी जाता है वो तुम्हारा 40 LPA तक जाता है. अब किन लोगों के लिए प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है जिन लोगों को एक काफी अच्छी हाइक चाहिए, एंड दूसरे वो लोग जिनको नॉन आईटी, नॉन सीएस से किसी एक आईटी इंडस्ट्री में जाना है. अब तुम्हें यहाँ पे क्या होता है कि डाउट सपोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे काफी सारे वेबिनार्स होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, एंड इसके अलावा तुम लोगों को यहाँ पे वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिल जाती है. लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके फ्री क्लास के लिए, ट्रायल के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो. एंड इतने तक बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. या सो लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस, छोटा सा एग्जाम्पल से बता दूँ, लाइक मैंने कोई भी बग ढूंढा, उससे कंपनी को $15,000 का लॉस हो रहा है. सो कंपनी क्या करेगी, लाइक उसका उतना लॉस हो रहा है, सो दे विल पे मी एज अ रिवार्ड काइंड ऑफ $1,500 या $2,000. सो जनरली जो होता है फॉर क्रिटिकल, दे विल सेट एज लाइक अ
$1,500 से $2,000 के बीच में, अगर हाई है तो $1,000 to $1,200, मीडियम है तो $500 to $700, लो है तो $100 to $300. एंड मतलब अपर लिमिट है 1500 to 2000, इससे ज्यादा नहीं होता, 2000 से भी ज्यादा होता है। माइक्रोसॉफ्ट में भी लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने $30,000 तक भी मिली हुई है, बट जनरली हर एक कंपनी का एक बजट होता है, right, उसके हिसाब से वो लोग रिवार्ड देते हैं। लाइक एप्पल इज जनरली पे एज अ लो बग इज दे पे व्हिच आर $1,000 and $2,000, एंड मैक्सिमम दे विल पे एज अ $1,00,000 and $2,00,000। ओके गॉट इट। सो तीन तरीके के हैकर्स होते हैं जैसे प्रतीक ने बताया, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं उसमें फ्लॉज फाइंड करने में हेल्प करते हैं कंपनीज को, एंड फिर वो उसके बेसिस पे कंपनीज पे देम बाउंटीज। सेकंड टाइप के जो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स तो बेसिकली वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, दे विल सेल दिस वल्नरेबिलिटी ऑन ब्लैक मार्केट। ओके, सब लोगों ने नाम सुना होगा डार्क नेट, राइट राइट। ओके, टॉर ब्राउजर, एवरीवन हर्ड अबाउट, इट्स अ डार्क नेट ऑफ द इंटरनेट। सो जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं लाइक गूगल और दिस, ओनली काइंड ऑफ नॉर्मल 1 or 2% ऑफ इंटरनेट दैट वी कैन यूज इट, सो दे विल सेल दिस डेटा ऑन दैट कंपेटिटर्स एंड समथिंग। सो वो लोग कंपनी को नहीं बट अलग जगह पर रिपोर्ट करके बेच देते हैं डेटा। एंड ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट। लाइक कोई ऐसा है कि लाइक कंपनी में काम कर रहा है एंड रात को उसका काम होगा कि लाइक दे विल वर्क एज अ सम काइंड ऑफ ब्लैक हैट हैकर। ओके, गॉट इट गॉट इट। या अब ये तो हमने जान लिया कि लाइक ये कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। अब प्रतीक आप अपना बैकग्राउंड बताओगे, लाइक क्या आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन करी हुई है कि यू बिकेम अ सिक्योरिटी like expert, sure, and sure. आप एक as a bug bounty hunter and ethical hacker भी काम कर रहे हो। yeah, so I did my bachelor's in computer science from Ahmedabad University. After that I did my master's in cyber security. So the degree name is digital forensics and information security from National Forensic Science University, Gandhinagar. So they have some specialization courses in dedicated to cyber security. Okay. Okay, and that the university is really good. Good placements and all, yeah. So next question is ki like what is the difference between ethical hacking and cyber security? Yeah, it's like a ethical hacker is a like a term. Like ethical hackers होते हैं, security analyst होते हैं, penetration tester होते हैं, but सबका काम ही होता है कि like एक organization company को secure करना. Cyber security में like multiples होगा, like we can talk about digital forensics. Then security analyst, penetration testers, IT administrations, network security, then application security, web applications, Android API, a lot of. Okay. Okay. So this is a basically part of this. Cyber security के अंदर umbrella में सारी चीजें आती हैं. ये सब इसके branches हैं. Yeah. Got it. So like what exactly are the ये आपने जैसे job opportunities बताई कि इतनी सारी job opportunities होती हैं under cyber security. But what is the pay scale? Like कहाँ से कहाँ तक you can. So like as you कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने अपना bachelor's complete किया like BTech, BCA, whatever. Okay. Right. So they will apply as a fresher. लाइक क्या होता है कि फ्रेशर्स में जनरली उनको टाइम लगता है कि जॉब नहीं मिलती है, बट माय सजेशन इज गो फॉर द इंटर्नशिप, 6 month इंटर्नशिप इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड रिज्यूम एंड यू वांट अ साइबर सिक्योरिटी जॉब। सो व्हाट यू हैव टू डू, बग बाउंटी इज अ गुड, ओके, लाइक डोंट लुक फॉर द ओनली फॉर रिवॉर्ड, कलेक्ट लाइक गुड कंपनीज हॉल ऑफ फेम्स लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन बिल्ड अ गुड रिज्यूम, ओके, आफ्टर दैट अप्लाई इन कंपनी फॉर द 6 month इंटर्नशिप, देयर इज इंटर्नशिप programs also, they will also pay a good stipend also, right? Okay, so that is a good, either you can do a dedicated BTech in cyber security, but if you are doing a bachelor's in computer application in computer science, but you are interested in cyber like security. Ethical hacking mein aa gaya, like पढ़ रहे हो प्रोग्रामिंग बट इंटरेस्ट आ गया हो साइबर सिक्योरिटी में, सो अलॉन्ग विद कॉलेज स्टडीज भी आप लर्न कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई। साइबर सिक्योरिटी में काफी जॉब ओपनिंग्स हैं, बहुत ही, एंड फ्यूचर यही है साइबर सिक्योरिटी। So like इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि हाउ कैन समवन बिकम अ एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी चांप, उनको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज करनी होती है, तो एक छोटा सा रोड मैप टाइप बता सकते हो? श्योर। सो लाइक अगर कोई भी नोब है वॉन्ट्स टू स्टार्ट इन एथिकल हैकिंग, सो सबसे पहले बेसिक्स चीज होती है नेटवर्किंग, लाइक वॉट इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4, IPv6 में क्या डिफरेंस है, OSI मॉडल क्या होता है, कौन सा जो टेक्नोलॉजी है कौन से लेयर पे काम करती है, पॉड्स क्या होते हैं, ये सब एक बेसिक सी चीजें होती है, उसके वो आते हैं नेटवर्किंग। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो लाइक सबने सुना होगा कि हैकर्स काले लिनक्स यूज करते हैं, ओके, सो लिनक्स इज मच सेफर, सो काले लिनक्स इज ऑल्सो गुड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो काले लिनक्स, मैकओएस, विंडोज, इन सारी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एक अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कैसे काम करती है, फिर वही कि लाइक बायोस कैसे काम करता है, UEFI, LGC, ये सब चीजों का आपको डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, एंड
नाउ कम्स टू मेन पार्ट कि क्या चीज होती है लाइक टूल्स. ये तो जो सारी चीजें हैं तुम अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हो बीटेक कर रहे हो तो ये सब पढ़ रहे हो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब तुम्हें पढ़ना ही होता है एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. एंड इवन इफ यू आर वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हें इनकी नॉलेज होनी ही चाहिए. इवन इफ यू आर नॉट अ लाइक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और इफ यू वांट टू बिकम एन एथिकल हैकर नहीं भी बनना है तो भी ये सब आना चाहिए. ये बेसिक सी चीज है तो मतलब जो एडवांस चीजें आएंगी इस चीज अगर आपको बेसिक से पता होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे. राइट. Now next comes to programming. Like if you want to become a penetration tester, ethical hacking, like ऐसा नहीं कि core आना चाहिए but तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए. अगर मैं C की बात करूँ कि like pointer क्या होता है, structure क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है basic. तो for dedicated to hacking, I am suggest Python, okay, Go and Bash, okay, because जो भी hackers जो भी tools बनाते हैं they're almost based on Bash and Python. मतलब कैसे कहते हैं कोड यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड. जो इंसान कोड खुद लिख सकता है उसको ब्रेक कर सकता है आफ्टर फिक्स कर सकता है इट विल बी सिक्योर कोडर. तो मतलब तुम्हें बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग आनी चाहिए. ओएस डीबीएमएस ओएस आना चाहिए. ओएस आना चाहिए. डीबीएमएस आल्सो बिकॉज़ डेटाबेस इज द मेन थिंग. राइट राइट राइट. डीबीएमएस भी आना चाहिए एंड उसके बाद यू नीड टू लर्न पाइथन गो एंड बैश स्क्रिप्टिंग. लाइक स्क्रिप्टिंग तुम्हें आनी चाहिए. पाइथन में भी स्क्रिप्टिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं इस चीज के लिए लाइक वो अपना काम ऑटोमेट कर सके. राइट राइट राइट. सही सही. तो बस यही क्या इसके अलावा कुछ और इसके अलावा लाइक टूल्स वेट कम टू मेन पार्ट like penetration testing and bug hunting is like now on trend. So like किसी को ये चीज सीखनी है तो OWASP open web application security projects ये हर चार साल में अपनी vulnerabilities निकालता है top 10. okay ठीक है. so वो top 10 की vulnerabilities के जो एक list है वो आप देख सकते हो वो go through करिए. ठीक है. so almost आपका basic काफी clear हो जाएगा. and इसकी labs होती हैं like okay कि आपको direct live environment पे जाके hacking नहीं करना है. there is a no safe place like at your home. No place like local host, check जो अपन कहते हैं 127.0.0.1. Right, right, right. Yeah. So उसपे आप host करिए. बहुत सारी application the like DBWA, BWAP, and play the CTFs, capture the flags game. Like अगर आपने कोई भी topic सीखा है, तो उसको CTF पे practice कीजिए ताकि वो आपका topic and fundamental आपके काफी strong हो जाएंगे. उसके platforms है like Hack the Box, Capture the Flag, Vulnerable Machines से भी आप देख सकते हो. Try Hack Me is also good. Got it. So, आपने मेरे को बता दिया कि अगर इसके बारे में डिटेल में जाना तो आपने कुछ ब्लॉग I also write a blog on it. I will give the all the links to the description and give the Nishant. Okay. Yeah. So, जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन में होंगे. You can definitely check them out. And इसके अलावा और तुम्हें कुछ नॉलेज चाहिए कि कैसे तुम एक एथिकल हैकर बन सकते हो तो वो सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Yeah, sure. तो प्रतीक आप मेरे को बताओगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है थोड़ी डिटेल में लाइक किस कौन सी लाइक रोल्स होते हैं जो कंपनीज में कर सकते हैं या फिर एज अ फ्रीलांसर भी अगर काम करना है तो क्या कैसे काम कर सकते हैं. श्योर. सो लाइक फॉर साइबर सिक्योरिटी डेडिकेटेड देयर इज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट पेनिट्रेशन टेस्टर डिजिटल फॉरेंसिक नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट. देयर इज अ मेनी काइंड ऑफ लाइक पेन टेस्टिंग में भी काफी टाइप का होता है वेब मोबाइल एपीआई एंड्रॉइड आईओएस एंड ऑल. सो अगर बात करें कि पे स्केल के बारे में अगर कोई फ्रेशर है तो लाइक 6 to 8 LPA इज अ फिक्स एज अ फ्रेशर. इतना सारी कंपनीज ऑलमोस्ट देती है एंड इट्स ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन सिटीज. लाइक काफी सिटीज में ऐसा होता हो तो कि लाइक दे विल ऑफर लाइक 4 to 6 बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर टैक्स सिटीज. या ठीक है. तो ये स्टार्टिंग सैलरी होती है बट इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इट विल बी इंक्रीजिंग. या ओके. And apart from that, जैसे आप बता रहे थे, freelancing opportunities भी काफी. Yeah, sure. Like freelancing, जैसे like bug bounties. Okay, that will be do it along with your job and all. Okay. And apart from that, like अगर bug bounties में success नहीं मिल रहा है, ठीक है, like bugs ढूंढ रहे हैं but duplicate मिल रहे हैं, motivation नहीं आ रहा है, तो like you can make a strong resume on Fiverr and other freelancing platform. Okay, freelance.com. Upwork. Upwork. There is a many platform. Like they will put the budget on like. कि उनका ये डोमेन है, ठीक है, तो लाइक हमारा ये बजट है तो वो आप देख सकते हो. यू कैन ऑफर अ गुड डील. अगर उनको आपका डील वगैरह नॉलेज वगैरह अच्छा लगेगा तो भी वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. देन आई विल सजेस्ट यू सम बग बाउंटी प्लेटफॉर्म. देयर इज ओपन लाइक यू कैन जस्ट साइन अप एंड स्टार्ट द हंटिंग. देयर अ गुड बग क्राउड हैकोवन इंटीग्रिटी एंड यस वी हैक. देयर इज अ गुड फॉर ओपन फॉर ऑल. एंड इफ यू वांट अ लाइक अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्राइवेट प्रोग्राम्स देयर इज अ सिनैक
योगोशा काफी लोगों को देखा लाइक कोई भी एक वर्ड सुनता है ना हैकिंग इट मीन्स बी वेरी पैशनेट लाइक मेरे को हैकर बनना है ओके सो वो बहुत एज अ फ्लो फ्लो में आके बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर लेते हैं ओके महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं लाइक 50,000 एंड 60,000 बट मेरा ये मानना है कि एजुकेशन मस्ट बी फ्री सो देयर इज अ रियली गुड रिसोर्सेज एंड मैंने जो ब्लॉग्स लिखे हैं इवन कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है कहाँ से पढ़नी है इवन मैंने यहाँ तक मैंशन किया देयर इज अ रियली गुड कोर्सेज ऑन यूडेमी कोर्सेरा ओके सो गो फॉर इट एंड मतलब अगर एक चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो उसको फिनिश करो क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है आते हैं एथिकल हैकिंग में बट बाद में कहते हैं कि हम नहीं हम तो प्रोग्रामिंग में ही फिर कर लेंगे दे विल डू नॉट कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट इज अ की अगर तुम्हें करना है तो तुम बिल्कुल स्टार्ट करो तो अच्छे से खत्म करना ऐसे नहीं कि चलो मतलब अगर ट्राई कर सकते हो अगर ना अच्छा लगे तो ऑब्वियसली यू शुड स्विच योर प्रोफाइल्स बट इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड तो तुम्हें थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी कोई चीज आसान नहीं होती है इट टेक्स टाइम So it, this will also take time. Good things take some time. Yeah. And आप इस चीज को properly भी जो मैंने बताया 6 months भी अगर follow करोगे ना just 6 months or 1 year उसके बाद आप result खुद देख सकते हो सही है सो थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर टेकिंग योर टाइम काफी मजा आपके साथ बात करके एंड तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्रतीक का इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉग लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है फॉलो जरूर कर लेना एंड जो तुम्हें डिटेल्स चाहिए वो ब्लॉग में मिल जाएगी सो इतना थे आज वाले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए